जब सफर साईफाई मूवीज़ की हो तो एक अलग ही मज़ा आता है। साईफाई मूवीज़ ने इस दुनिया में तब जन्म ली जब हमारे पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं आया था, जहाँ की विजुअल इफेक्ट्स माइंड ब्लोइंग बियॉन्ड इमेजिनेशन स्टोरीज ने तो हमारा दिल जीत लिया। तो इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे 10 बेहतरीन साईफाई मूवीज़ जो अलग अलग कंसेप्ट पर बनी है। अगर आप किसी भी मूवीज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं और आप सिर्फ मूवीज़ को इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारी तरह एक्सपीरियंस के लिए देखता है तो वीडियो पर ज़रूर अंत तक बने रहना। और ये मूवीज़ आपको हिंदी डब पे भी देखने को मिल जाएगा और इन मूवीज़ को कहाँ देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 वाली मूवी है 2011 की काउबॉय एंड एलियंस। ये एक ऐसे वाक की बात है जहाँ टेक्नोलॉजी की बात करना हैरान की बात होता। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है, जो इस मूवी का हीरो होता है उसके पास कोई याददाश्त नहीं होता है और उसके हाथों में एक गैजेट होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और आगे जाके उनका सामना एलियन से होता है। और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा और मूवी को 6.0 की IMDb रेटिंग दी है और आप इसे सोनी लाइव पर देख सकते हैं। नंबर 9 वाली मूवी है 2002 की द टाइम मशीन। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक साइंटिस्ट अपनी प्रेमिका को मारने से बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और ये टाइम ट्रेवल पास में नहीं बल्कि फ्यूचर में इतनी आगे चला जाता है जहाँ की नज़ारा कुछ अलग ही होता है जिसे देखने के बाद दांग ही रह जाएंगे। और इस मूवी को आप हिंदी पे देख सकते हैं और मूवी को 6.0 के IMDb रेटिंग दी है और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 8 वाली मूवी है 2014 की रोबोकॉप। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक शादीशुदा पुलिस ऑफिसर एक दिन बम ब्लास्ट की चलते अपनी जान गंवा देता है, पर कहानी यहीं नहीं रोकता। टेक्नोलॉजी के चलते उसे एक साइबॉर्ग में बदल देता है जो सच्चाई के लिए लड़ेंगे। और मूवी को आप हिंदी डब पे देख सकते हैं, 6.1 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। एक ऐसे नेटवर्क जहां के लोग उसे जन्नत मानते हैं 2012 की टूटे रिकॉर्ड। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है जो इस मूवी का हीरो होता है उसके दिमाग में हमेशा सवार आता है और उसी से छुटकारा पाने के लिए टूटे रिकॉर्ड में चला जाता है। और टूटे रिकॉर्ड एक ऐसा दुनिया है जहां में असली और नकली का फर्क लगा पाना बहुत मुश्किल है। और ये मूवी एंड होने तक एक ऐसा सस्पेंस बना के रखता है जिसे देखने के बाद हमारे मूवी देखने का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल में चला जाता है। और ये मूवी आपको हिंदी डब पे देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को 6.2 की IMDb रेटिंग दी है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 वाली मूवी है साइंस और इंसानी सोच को एक अलग ही लेवल में ले जाता है 2014 की लूसी। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है लूसी नाम की एक लड़की जिसके पास एक ऐसे एबिलिटी आ जाता है जो अपने दिमाग से हर यूनिवर्स हर गैलेक्सी हर क्रिएशन की शुरुआत पता लगा सकता है। 1 hour and 29 minutes की ये मूवी आपको बहुत कुछ दिखा देगा और मूवी को आप हिंदी डब पे देख सकते हैं। 6.4 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5 वाली मूवी है 2021 की द टुमॉरो वॉर। इस मूवी में पास और फ्यूचर की कहानी दिखाया है जहां फ्यूचर में एलियंस पूरी दुनिया तबाह कर देता है और भविष्य के लोग अतीत में आके वहाँ के लोगों को वॉलेंटियर्स चुनते हैं ताकि वो उस जंग को जीत कर दुनिया को बचा सके और हमारे हीरो भी इस जंग का हिस्सा हो जाता है। और मूवी आपको हिंदी डब पे देखने को मिल जाएगा। 6.6 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 4 वाली मूवी है 2005 की द आइलैंड। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक ऐसा दुनिया जहां के लोग एक ऐसा दुनिया में जीता है जिसमें आज़ादी प्यार दोस्ती नाम चीज कुछ भी नहीं होता। और मूवी में टॉप ट्विस्ट देखने को मिलता है जब लिंकन जो इस मूवी का हीरो होता है वो अपनी दोस्त का साथ उस दुनिया से भाग जाता है
और मूवी आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। 6.8 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 3 वाली मूवी है 2019 की अलीटा बेटर एंजल। इस मूवी के अंदर एक ऐसा दुनिया दिखाया है जो दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिसमें साइबॉर्ग और इंसान एक साथ जीते हैं। और कहानी है अलीटा जो एक बहुत ही एडवांस साइबॉर्ग होता है, और अलीटा के पास कुछ भी याददाश्त नहीं होता है, जिसकी बात वो अपने अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कौन। और मूवी आपको हिंदी डब पे देखने को मिल जाएगा। 7.3 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं। नंबर 2 वाली मूवी है 2012 की क्लाउड एटलास। ये मूवी बेहद ही यूनिक है। इस मूवी के अंदर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने को मिलता है। इस मूवी की कॉन्सेप्ट हमें हाई लेवल की बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली एक्सपीरियंस देता है। फिलहाल तो मूवी के बारे में ज़्यादा स्पॉइलर करना ठीक नहीं होगा, वो सब आप मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी आपको हिंदी डब पे देखने को मिल जाएगा। 7.4 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वीडियो गेम्स आप लोगों की जिंदगी बन चुकी है 2018 की रेडी प्लेयर वन। इस मूवी के अंदर वीडियो गेम्स की दुनिया दिखाया है। लोग हकीकत में कम वीडियो गेम्स की दुनिया में ज़्यादा जीते हैं, और इस खेल में हर लेवल को पार करना पड़ता है, और इसकी आखिरी लेवल उस तक ले जाएगा जिसने गेम को बनाया था, पर ये इतना आसान नहीं है। और मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 7.4 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी हो कर देना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड और नई वीडियो में।